आज हमारे साथ में मौजूद हैं नीलम गंगवार जी, ये वार्ड नंबर 4 से समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रही हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं उनकी क्या रणनीति है, अब जनता के पास में जाएंगी तो किस आधार पर अपनी वोट मांगेंगी। धन्यवाद भैया जी। जनता के बीच जाने की कोई रणनीति नहीं है, बाकी तो हमेशा जो हम चुनाव लड़ते हैं भाईचारा है। वार्ड नंबर 4 के जो लोग हैं उनके लिए मैं एक अपना परिवार मानती हूँ। जब समय और वक्त आता है तो मुझे एक वो परिवार की तरह स्नेह और प्रेम देते हैं, उसी स्नेह प्रेम के साथ मैं 5 साल जो लगातार उन लोगों के बीच रहते हैं तो हमारा उनका जो रिश्ता है वो दिली रिश्ता है। तो जनता इस तरीके से जनता और नेता का रिश्ता हम नहीं मानते, हम अपना परिवार मानते हैं कि एक हमारा बहुत बड़ा परिवार है। परिवार के लिए जो हमारे दायित्व बनते हैं वो निभाते हुए हम उनके बीच जाते हैं, समय आने पर वो लोग उसी तरीके से बहन बेटी की तरह हमारा साथ देते हैं। वार्ड नंबर 4 से छोटे लाल गंगवार भी दावेदारी कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी से कहीं ऐसा नहीं टिकट में कुछ फेरबदल हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी में फेरबदल नहीं होगा। पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो पार्टी के हित में लेगी और जो पार्टी का निर्णय होगा वो हमको मान्य होगा। आप इस समय निवर्तमान सदस्य हैं वहाँ पे, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ अभी आपके वार्ड में ऐसी कौन कौन सी और प्रमुख समस्याएं हैं जो अभी रह गई हैं? जी, मेरे वार्ड में लमसम काम अधिकांशतर मैंने करा दिए, 5 से 6 करोड़ रुपए के बीच में मैंने उसमें विकास कार्य कराया। कुछ जरूरी समस्याएं हैं जो रह गई हैं उनके लिए मैं इस बार उनको पूरा करूंगी। चर्चाएं हैं कि अन्य जो पार्टी हैं उनके लिए मजबूत दावेदार आपके मुकाबले में नहीं मिल पा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कहा एक परिवार है और परिवार संगठित हो तो उसमें कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो उसके उससे जो परिवार मजबूत होगा तो अन्य लोग जो है भयभीत होते हैं, जब हम एकजुट होंगे उस बात के लिए हम अपना परिवार मानते हैं। आगे क्या कराना चाहेंगे अपने वार्ड में आप? आगे अपने वार्ड में जितना जो हो सकता है वो कराएंगे और आए दिन जो समस्याएं रहती हैं कि हर गांव में जो दिक्कतें समस्या आती हैं छोटे छोटे गांव में कि बरायत घर नहीं है, बरायत घरों की व्यवस्था कराऊंगी, अच्छे पानी की सुविधा देंगे, तो ये मेरा अपना प्रयास रहेगा। जितना अधिक से अधिक मैं अपने वार्ड के भाइयों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए जो कर सकती हूँ उसको करने को प्रयासरत रहूँगी। आपके जो वार्ड की मतदाता हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगी, बाकी तो वो ये चुनाव मेरा नहीं है, उन सबका चुनाव है। पहले भी मैंने कहा कि वो मेरा परिवार है, परिवार मैं उन लोगों से अपील नहीं निवेदन करना चाहूँगी कि वो एक मेरा बहुत ही बड़ा परिवार है जिसके लिए समय वक्त आने पर बहन और बेटी की तरह जो माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं वो समय आने पर वो लोग वो मेरे लिए करते हैं। तो मेरा उनसे यही निवेदन है, अपील नहीं, मेरा उनसे ये निवेदन है कि समय जब वक्त आए तो वो हमारा चुनाव नहीं है, हम सबका चुनाव है कि आने वाले समय में वो जो भी निर्णय लें वो अपने परिवार के हित में लें, कि मैं उनके परिवार की एक बेटी हूँ। भाजपा की केंद्र यूपी में सरकार है और भाजपा का अगर कैंडिडेट जो भी आपके सामने आएगा तो आपको लग रहा है कुछ दिक्कतें आपके सामने आएंगी? नहीं, मुझे ऐसा कोई कुछ नहीं लग रहा है और भाजपा के लोग हमें क्या दिक्कत देंगे, कोई दिक्कत देने की स्थिति में नहीं है और बाकी हम मजबूत हैं, पार्टी हमारे साथ है, हमारा परिवार हमारे साथ है, वार्ड नंबर 4 के समस्त ग्रामवासी जो सब लोग हमारे साथ हैं वो हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है। अपने परिवार पर उम्मीद करते हैं, ये कोई भी भारतीय जनता पार्टी हुई कोई भी हुआ तो वो हम लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैडम, चर्चाएं अब ये भी चलने लगी हैं कि उषा गंगवार जी भी जैसे 6 से उन्होंने अभी आवेदन करा है आगे 4 से आ सकती हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे अगर वो आ गई तब कैसा मुकाबला रहेगा आपका उनका? बहुत ही अच्छा रहेगा, मुझे तो खुशी होगी उषा गंगवार जी आए, कि जब मुकाबला टक्कर के व्यक्ति से होता है चुनाव लड़ने का उतना ही आनंद आता है। आप मुकाबला कर पाएंगे उनसे? बिल्कुल 100% मुकाबला नहीं कर पाएंगे, मुझे चुनाव जीतना है, लड़ना नहीं जीतना है, चाहे उषा जी आए चाहे कोई भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैदान में एक योद्धा की तरह खड़े हुए हैं, जो भी आए युद्ध करने के लिए तैयार है, वो मुझे भरोसा है अपने लोगों पे कि जो युद्ध है वो हम ही जीतेंगे। आपको पूर्ण विश्वास है इस बार आपको फिर से जनता मौका देगी? बिल्कुल मौका देगी, कि वो जनता नहीं हमारा परिवार है और परिवार अपना परिवार जो है अपने परिवार को छोड़ के दूसरे को मौका नहीं देता, कि पहले तो अपना परिवार होता है। तो वो लोग उस बात के लोग जो है मुझे स्नेह और प्रेम करते हैं एक बहन और बेटी की तरह, तो वो मेरा ही साथ देंगे।